आज से हम लोग हिस्ट्री के कुछ लेक्चर शुरू करेंगे। अपने क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, तो उसमें हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके द्वारा जो सिविल सेवा लाई गई भारत में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया, उसके क्या लाभ हानि है, तमाम चीजें हम लोग क्लासरूम तक पढ़ चुके थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगले गवर्नर जनरल जो बंगाल के आए वो टेम्परेरी पीरियड के लिए आए थे, एडहॉक पर्पज पे आए थे, क्योंकि वहां पर लंदन में जो वहां के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और कॉर्नवालिस उनसे मिलने चले गए थे। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए इनको, जॉन सोर को भारत का गवर्नर जनरल एडहॉक पर्पज पर बनाया गया, लेकिन फिर ये 5 साल तक रह गए। तो अगले गवर्नर जनरल हम लोग देखेंगे सर जॉन सोर, ठीक है। इनके बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह कि इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1793 आया, ठीक है, और चार्टर एक्ट जो है 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसी को एक्सटेंड करने के लिए जो 20 ईयर का जो पीरियड था कंपनी का भारत में व्यापार करने का, उसको बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट बार बार आते रहेंगे हर 20 साल में, ठीक है। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद का जो 20 साल है तो आएगा 1793। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया, तो किसके समय में आया, जॉन सोर के समय में आया। दूसरी बात सर जॉन सोर के बारे में जो हमें जानकारी रखनी है वो ये है कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन्होंने अपनाया था, यानी इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किस मामले में अहस्तक्षेप, इन्होंने कहा था मैं जो भारतीय रियासतें हैं, जो भारत के राजा महाराजे हैं, मैं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो व्यापारिक कार्य है और ब्रिटिश सरकार की ओर से जो राजनीतिक कार्य कंपनी को दिए गए हैं मैं वही करूंगा, भारतीय राजा महाराजाओं के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसकी पॉलिसी को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जॉन सोर के बारे में, ठीक। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 का जो आया इनके समय में वो क्या था। तो पहली बात तो अंडरस्टूड है, कंपनी ट्रेड लाइसेंस वाज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। हम लोग जानते हैं कि 1773 का जो एक्ट आया था उसके पहले भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी उसका कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं था, उसको अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब कंपनी का भारत में महत्व बढ़ने लगा, उसका हस्तक्षेप बढ़ने लगा, उसकी लाभदायकता बढ़ने लगी, तो ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना करके कंपनी के मामलों पर कुछ कंट्रोल करने की बात सोची। और इसी एक्ट में यह था कि अब कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस है भारत में वो केवल 20 साल रहेगा, इन फाइनल पीरियड के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। वो 20 साल खत्म हो रहे थे 1793 में, तो 1793 में उसके लाइसेंस खत्म होने से पहले ये एक्ट आया और अगले 20 साल के लिए कंपनी का जो विशेषाधिकार था, लाइसेंस था भारत के साथ व्यापार करने का, उसको बढ़ा दिया गया। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा, कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस केम अंडर ब्रिटिश क्राउन। अब कंपनी भारत में जो भी राजनीतिक कार्य करेगी उसको डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का आदेश का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात यह है, सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाउ चार्ज्ड टू द कंपनी। भारत में जो राजनीति का कार्य करेगी कंपनी, उस राजनीतिक कार्य को देखरेख करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने लोग काम करेंगे ये भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर से राजनीतिक कार्य यानी शासन का कार्य करेंगे, लेकिन इनकी सैलरी कंपनी द्वारा दी जाएगी, काम करेंगे ब्रिटिश क्राउन का लेकिन इनको कंपनी सैलरी देगी, ठीक है। तीसरी बात, कंपनी विल गिव आरएस 5 लाख पर एनम टू ब्रिटिश क्राउन फॉर इंडियन रेवेन्यू। यहां भारत में जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां से वो जो रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार से जो लाभदायकता प्राप्त करते हैं, इनसे 5 लाख रुपए पर एनम, 5 लाख रुपए पर साल प्रति ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को कंपनी देगी। कंपनी वाज ऑथोराइज टू गिव लाइसेंस टू इंप्लॉइज टू कैरी आउट ट्रेड विद चाइना। कंपनी को यह अधिकार भी दिया गया कि आप अपने कर्मचारियों को चीन के साथ व्यापार करने का आदेश दे सकते हैं। चीन एक जो देश है, ठीक है, उसके साथ व्यापार करने का लाइसेंस आप उसको दे सकते हैं। और कंपनी ने लाइसेंस दिया अपने कर्मचारियों को और यहीं से कंपनी के कर्मचारी भारत में अफीम उगवाते थे और उस अफीम की का ट्रेड किया करते थे चीन में। तो भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मंदसौर खंडवा इत्यादि का इलाका है
वहां पर ये अफीम हुआ थे। तो आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश ओपीएम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में। तो ये अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। तो यहां पर अफीम उगवा करके उस अफीम का ट्रेड करते थे एक नशे के रूप में, कहां पर? चीन में। आगे चल करके चीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ओपियम वॉर होने वाला है इसी के कारण, ठीक है। तो क्यों हुआ हम आगे इसको देखेंगे। तो ये सारे बड़े प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1793 में। ओवरऑल 1793 चार्टर एक्ट में कंपनी की शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया और कंपनी की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। कंपनी के जो लाभदायक था वो जो भारत से अर्न कर रही थी उसमें से ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा लेना शुरू कर दी, ठीक है। अब आते हैं अगले गवर्नर जनरल पे, वो है लॉर्ड वेलेसली। अब लॉर्ड वेलेसली 1798 से 1805 तक भारत में रहेंगे, लेकिन उनके भारत में आने के पहले भारत और दुनिया की क्या स्थिति थी उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। लॉर्ड वेलेसली को भारत किस उद्देश्य से भेजा गया था। 1776 में हम लोग जानते हैं अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी और 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। और इस प्रकार अमेरिका जो कि एक रिसोर्सफुल टेरिटरी था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो अंग्रेजों के हाथ से निकल गई। अब अंग्रेजों को वहां से नुकसान हो गया क्योंकि पूरी अमेरिका उनके हाथ से निकल गया। तो एक घाटा तो ये हुआ उनको। दूसरी 1779 में, ठीक है, वन लेस एक्टिंग, फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस में तेजी से एक व्यक्ति राजनेता बनकर के और फ्रांस का प्रधानमंत्री बनके उभरता है, सॉरी फ्रांस का राष्ट्रपति बनके उभरता है, और वो था नेपोलियन। तो नेपोलियन ने तेजी से फ्रांस को शक्तिशाली करना शुरू किया। तो यूरोप में कड़ी टक्कर अमेरिका ब्रिटेन को दे रहा था फ्रांस, और नेपोलियन तेजी से अपने उपनिवेश बना रहा था, कई देशों को गुलाम कर रहा था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं नेपोलियन की नजर भारत पर ना पड़ जाए, और अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत को खोना नहीं चाहते थे। तो यूरोप में नेपोलियन का उदय यानी फ्रांस का शक्तिशाली होना, उसी समय भारत में क्या हो रहा था? भारत में मराठे और टीपू सुल्तान अंग्रेजों को टक्कर दे रहे थे, और मराठों ने, हैदराबाद के निजाम ने और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर रखी थी। अब यह बड़ा एक दुविधापूर्ण माहौल था अंग्रेजों के लिए। एक तो अमेरिका चला गया, दूसरा यूरोप में उनको फ्रांस से टक्कर मिल रहा है, तीसरा भारत में जो तीन बड़े शक्तिशाली राज्य थे उस समय, हैदराबाद का निजाम, मराठे और टीपू सुल्तान, और ये तीनों भारत में अंग्रेजों के लिए गले की फांस बने हुए थे, और ये तीनों सहयोग कर ले रहे थे किससे? फ्रांसीसियों से। तो कुल मिला के अंग्रेजों के लिए यूरोप में भी दिक्कत थी, भारत में भी दिक्कत थी। ऐसी पृष्ठभूमि में भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय राजाओं से जो मदद अंग्रेज उनको मिल रही थी, फ्रांसीसियों को, वो मदद भारतीय राजाओं को ना मिले, माने फ्रांसीसी हस्तक्षेप को भारतीय राजाओं से दूर करने के लिए, और जो शक्तिशाली राजा भारत में उभर रहे थे जैसे टीपू सुल्तान, उन सबको ठिकाना लगाने के लिए ये सब उद्देश्य देकर के लॉर्ड वेलेसली को इंग्लैंड से भारत गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। एक शब्द में कहे तो गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड वेलेसली का पहला उद्देश्य था भारत में कंपनी की यानी अंग्रेजी शासन की सत्ता को मजबूत करना, अपने सारे विरोधियों को दूर करना। तो लॉर्ड वेलेसली इसी उद्देश्य को लेकर के कहां आए? भारत आए। और जब भारत आए तो उन्होंने तीन काम किया, मतलब तीन तरीका अपनाया कि तीन तरीकों से हम क्या करेंगे, अपने भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे और अपने विरोधियों को चित्त कर देंगे। वो तीन तरीका में पहला तरीका था युद्ध, अर्थात वे राजे महाराजे जो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं उनको युद्ध करके समाप्त कर देना हमेशा हमेशा के लिए, ठीक, और उनको अपने में मिला लेना। दूसरा उनका था कि जो राजे महाराजे, जो रियासतें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के समय से अंग्रेजों के अंडर आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से अपना स्वतंत्र शासन कर रहे थे, उनको फिर से अपने अंडर में लाना, ये दूसरी रणनीति थी। तीसरी रणनीति थी सहायक संधि। तो सहायक संधि में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो लॉर्ड वेलेसली ने भारत आकर के अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने के लिए और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए तीन रणनीति अपनाई। पहली थी युद्ध, और इसके तहत उसने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया और मराठों के साथ युद्ध किया, और दो बड़ी शक्तियां जो भारत में थी उनको चित्त कर दिया, ठीक है। दूसरा उसने रणनीति क्या अपनाई, रॉबर्ट क्लाइव के समय से जिन राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की
सॉवरेंटी, अंग्रेजों की इस पावर को एक्सेप्ट कर लिया था, उन पे अपनी पकड़ और मजबूत करना, और तीसरी रणनीति थी सहायक संधि। ठीक है, ठीक। तो पहली लाइन हम यहां पढ़ते हैं, जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक। अब आपको ध्यान रखना है कि तंजौर, सूरत और कर्नाटक ये पहले से ही ये राज्य अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन करते थे। रॉबर्ट लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, उनका शासन प्रशासन भी अपने हाथों में ले लिया। तो ये तीन राज्य जो पहले से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे लेकिन अपना शासन अपने हिसाब से कर रहे थे, उनको अपने में मिला लिया, उनका शासन प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये पहला काम किया उसने। ठीक है, ये उसकी जो दूसरी रणनीति थी। ठीक, कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ बसीन, मराठे में जो पेशवा थे उसके साथ में बसीन की संधि, और बसीन की संधि हम लोग पिछले उसमें अपना क्लास लगता था वहां पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरी बात, प्रोवाइडेड मिलिट्री कमांडरशिप इन मेनी बैटल्स, युद्ध लड़ा, ये उसकी पहली रणनीति, युद्ध करेंगे। तो युद्ध उसने किससे किससे किया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, टीपू सुल्तान इस पर मारा गया, और फिर मैसूर को फोर्स किया जाता है कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लो, और 5 साल के बालक को वहां की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इसी प्रकार उसने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किया, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 1805 में चला, और इसमें मराठों की अंतिम रूप से हार हो गई, और पेशवा के बाद फिर भोसले, सिंधिया, होलकर, इन सब ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो इधर मैसूर युद्ध से उसने टीपू सुल्तान को ठिकाने लगा दिया, मराठा युद्ध से उसने पेशवा, होलकर, सिंधिया को ठिकाने लगा दिया। ठीक, फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, इसने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और फोर्ट विलियम जो कि किला है कलकत्ता में, वो पहले ही जो है बनाया जा चुका था, वहीं पर उसने उसी प्रमाइसिस के अंदर उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, टू ट्रेन आईसीएस, आईसीएस माने इंडियन सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट जो लंदन से लोग आते थे भारत में अपना शासन प्रशासन करने, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय भाषा सिखाया जाता था, भारतीय संस्कृति सिखाई जाती थी, टैक्स कैसे वसूलना है, ठीक है, व्यापार कैसे करना, ये तमाम चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। ठीक है, 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको इसी कॉलेज में जो भारतीय साहित्य है, हिंदी में, संस्कृत में, फारसी में, उन सारे का ट्रांसलेशन भी यहां पर इस कॉलेज में किया जाने लगा। ठीक है, बीकेन फ्रेंच इन इंडिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसी शक्ति को भारत में कमजोर किया और स्ट्रेंथन ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक, इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, अब यहां पर हम सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी देखते हैं। तो तीन तरीके में से दो तरीके तो हम यहां समझिए, उसने युद्ध किए, किससे किससे किए, उसने पहले से जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उनमें है आपके तंजौर, कर्नाटक, सूरत, इनको फिर अपने कंट्रोल में ले लिया। उसकी तीसरी रणनीति क्या थी जिसके तहत ये भारत में अपना कंट्रोल मजबूत करेगा, वो थी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि का प्रयोग किया। सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने किया था। तो उसका क्रोनोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे कि सब्सिडरी अलायंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। यहां पर हम समझते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो सब्सिडरी अलायंस था वो कैसा था। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये डॉक्ट्राइन है, यानी एक सिद्धांत है, या एक पॉलिसी, एक नीति है। इस नीति को अंग्रेजों ने बनाया, हालांकि इसको जन्म देने का कार्य फ्रांसीसियों ने किया, लेकिन उसका भरपूर उपयोग किसने किया, अंग्रेजों ने किया। इस ट्रीटी में या इस अलायंस, इसमें डॉक्ट्राइन में क्या था, अंडर विच द रूलर ऑफ द अलाइंड इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्ट एंड अ रेजिडेंट विद इन इट्स टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड इन टर्न द ब्रिटिश फोर्स विल प्रोवाइड विल प्रोटेक्ट द रूलर। कुल मिला के सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि क्या है, इसको समझ लीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में आए तो उन्होंने मराठों को तो हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, और कई राज्यों का शासन प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। लेकिन अभी भी कई शक्तिशाली राज्य भारत में थे, ठीक है, जैसे अवध का शासन था, सिंध का शासन था, ठीक है, और इसके अलावा पेशवा थे, भोसले थे, ऐसे कई लोग थे। तो उनको भी ठिकाना लगाने के लिए सहायक संधि लाया गया। अब सहायक संधि में क्या था, चूंकि अंग्रेज भारत में प्लासी का युद्ध लड़ चुके थे, बक्सर का युद्ध लड़ चुके थे,
मराठों को हरा चुके थे, टीपू सुल्तान को हरा चुके थे, और भी कई युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, यानी भारत में अंग्रेजी सेना सर्वोच्च है, ये बात स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजी सेना कैसी थी? आधुनिक थी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, उनके यूनिफॉर्म थे, उनमें एक डिसिप्लिन था, उनका परेड होता था, उनका अभ्यास किया जाता था। तो अंग्रेजी सेना शक्तिशाली थी, संख्या में कम थी लेकिन शक्तिशाली थी, क्योंकि आधुनिक हथियार अस्त्र शस्त्र थे। इसलिए भारतीय शासक कोई एक अंग्रेजों को हरा सके ऐसी संभावना नहीं थी। तो अंग्रेजों को हराने के लिए दो चार पांच शासक मिलकर के ही उनको हरा सकते थे। भारतीय शासकों के पास तोप थे, बंदूकें भी थी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में अंग्रेजों के पास थी। दूसरी बात, अत्याधुनिक सेना अंग्रेजों के पास थी, भारतीय राष्ट्रों के पास नहीं थी। तो एक कोई भारतीय राजा अंग्रेजों को हरा दे इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन दो चार पांच राजा मिलकर के अंग्रेजों को हरा सकते थे। इस संभावना को खत्म करने के लिए सहायक संधि लाया गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो भारतीय राजा थे उनको फ्रांसीसियों से भी मदद मिल रही थी, और फ्रांसीसी उतने ही ताकतवर थे जितने अंग्रेज। तो सहायक संधि के दो उद्देश्य थे। पहला, भारतीय राजा लोग मिलकर के अंग्रेजों के लिए कोई दुविधा, कोई समस्या खड़ी ना करें, यानी किसी भी तरीके से इन भारतीय राजाओं को अपने अंडर में ले लो। दूसरा, ये फ्रांसीसी ताकत जो भारतीय राजाओं की मदद करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि फ्रांसीसियों से इन राजाओं के द्वारा मदद लेना बंद हो जाए। ये दो उद्देश्यों से सब्सिडरी अलायंस लाया गया। अब भारतीय राजा चूंकि कमजोर थे अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना मजबूत थी, शक्तिशाली थी, तो अंग्रेजों ने एक चाल ये चला कि वो एक राजा के पास जाते और उस राजा से बोलते कि आपकी सेना कमजोर है और फलाने दूसरा कोई राजा आपके ऊपर युद्ध या आक्रमण करने की योजना बना रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम आपकी मदद कर सकते हैं। मदद करने का तरीका यह होगा कि हम अपनी एक सेना की टुकड़ी, जिसमें 100 जवान, 200, 500 जितनी जहां जरूरत होगी उतनी सेना की एक टुकड़ी आपके पास रखेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो अपनी सेना है उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी सेना आधुनिक नहीं है, वो हथियार और तोप चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। हमारी आधुनिक सेना है जो अब तलवार और भाले से और लठ से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तोप से, बंदूक से। तो आप अपनी सेना को समाप्त कर दीजिए, हम अपनी सेना आपको देते हैं, आपकी रक्षा ये सेना करेगी, बदले में आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेना के रखरखाव का जो खर्चा आएगा वो आप हमको दे देना। ठीक, भारतीय व्यास्तों ने सोचा कि यार हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो तो अंग्रेज है, और अगर अंग्रेज के साथ हम इस प्रकार से समझौता कर लेते हैं तो हमारा जो भय है, अंग्रेजों का जो भय हमारे साथ है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज हमारे मित्र बन जाएंगे। ऐसा शुरू में देखने में लगा, लेकिन उसकी जो गहरी चाल थी को अंग्रेज अच्छी तरीके से समझते थे। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस क्या था, समझ गए? भारतीय राजा की सहायता के लिए अंग्रेज अपनी सेना भारतीय राजाओं को देंगे परमानेंटली तौर पर, और उसके बदले उस सेना के मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा वो भारतीय राजा देगा, और वही सेना अब भारतीय राजा की ऊपर यदि कोई भी आक्रमण करता है या उसके राज्य में कहीं कोई हिंसा हो जाती है, कोई पड़ोसी राजा आक्रमण करता है या कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करती है, तो वही सेना उस राजा की हिफाजत करेगी। यह था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, उसमें कुछ और कंडीशंस थी, आओ ये देखते हैं कि क्या शर्तें थी उस संधि में। ठीक है, उस सब्सिडरी अलायंस में क्या शर्तें, राजा ब्रिटिश सरकार के लिए क्या शर्तें होती थी और उस राजा के लिए क्या शर्तें होती थी, फिर दोनों उसमें दस्तखत करते थे। तो बड़ी बात यह थी कि द इंडियन रूलर कुडंट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। अब देखिए, लॉर्ड वेलेसली के पहले जो जॉन सोर थे वो एक नीति लेके आए थे, क्या, कि मैं भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लॉर्ड वेलेसली उसके उल्टे, मैं भारतीय राजाओं के मामले में भीतर तक हस्तक्षेप करूंगा। तो इनकी जो पॉलिसी है जॉन सोर की पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो सहायक संधि में वे राजा जो अंग्रेजों की इस बात को मान जाते थे और सहायक संधि पर दस्तखत कर देते थे, तो उस सहायक संधि में क्या क्या प्रस्ताव होता था। पहला, वो राजा जिसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया है वो बिना अंग्रेजों की मर्जी से किसी दूसरी यूरोपीय ताकत, यानी फ्रांसीसी, स्वीडिश, डच या कोई भी
यूरोप की दूसरी किसी शक्ति के साथ, किसी दूसरे यूरोपीय देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना, उनको अपनी यहां नौकरी में रखना, उनको व्यापार का छूट देना, ये तमाम काम बंद कर देंगे, ठीक है। और यदि करेंगे भी तो अंग्रेजों की इजाजत लेके करेंगे, और स्वाभाविक बात है अंग्रेज इजाजत देने वाले नहीं थे। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, दे कुडंट नेगोशिएट विद ईच अदर विद एनी इंडियन स्टेट विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। अब भारतीय राजा यूरोप के किसी दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि आज के बाद एक भारतीय राजा किसी दूसरे भारतीय राजा के साथ भी कोई लेना देना, कोई बातचीत, कोई मैत्री, कोई संधि नहीं करेगा। बस ये दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट से उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांसीसी भारतीय राजाओं की मदद करते थे, अब राजा को ही इस नियम में बांध दिया कि फ्रांसीसी भले तुमको मदद दे तुम नहीं लोगे, तो पहला खतरा खत्म हो गया कि अब फ्रांसीसी भारतीय राजाओं की मदद करेंगे, खतरा टल गया। दूसरा खतरा यह था कि भाई ये भारतीय राजा आपस में मिलकर भी तो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो दूसरे पॉइंट से वो भी खत्म कर दिया। क्या एक भारतीय राजा दूसरे किसी भारतीय राजा से अब कोई मतलब नहीं रखेगा, तो ये दो खतरे तो निपटा दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन लियू ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश सेना राजा के पास होगी उसके बदले में उस राजा को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन थी। यदि राज्य बड़ा है, शक्तिशाली राज्य है, तो वो राज्य क्या करेगा, अपनी भूमि का एक टुकड़ा, अपनी टेरिटरी अंग्रेजों को दे देगा। अंग्रेज उस जगह से कर वसूल करेंगे और वहां से जितना भी कर आएगा वो उस सेना के लिए खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे रियासतें थी जिनकी टेरिटरी ही बहुत कम थी, उन्होंने कहा माय गॉड टेरिटरी कहां से देंगे, बोले कोई बात नहीं तुम्हें टेरिटरी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हम एक फिक्स कर देते हैं, हर साल तुम इतना पैसा हमको दे देना, उसी पैसे से हम जो सेना तुम्हारे यहां रखे हैं उसकी मेंटेनेंस और रखरखाव हम ही करेंगे, ठीक है। जो सेना राजा के पास होती थी अंग्रेजों की, उसको सैलरी देना, उसको हथियार देना, उसको वर्दी देना, उसका रखरखाव कराना, उसका सेनापति, ये सब अंग्रेज लोग होते थे, अंग्रेज लोग ही करते थे, ठीक है। भारतीय राजा कुछ नहीं करता था, ठीक, यहां तक कि उस टुकड़ी का एक कमांडर होता था वो भी अंग्रेज होता था, यानी वो राजा के आदेश नहीं मानेगा, किसका आदेश मानेगा, वो अंग्रेज कमांडर की आदेश मानेगा, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई। चौथी बात, डिसमेंटलिंग नेटिव आर्मी, आपकी अपनी खुद की जो सेना है जिसमें पगड़ीधारी, गमछाधारी और लुंगीधारी सैनिक है, वो सब बेकार के सैनिक है, उनको खत्म कर दो, क्योंकि जब हमारी सेना आ गई तो तुम्हारी सेना की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, समझते जाना आगे चल करके इनका सबका क्या दुष्परिणाम होगा, ठीक है। अब उस समय तो राजाओं को लग रहा था कि ये तो हमारे फायदे में है, लेकिन कितना नुकसान इससे हुआ हम देखेंगे आगे। तो अपनी सेना खत्म कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। पांचवी बात, द ब्रिटिश विदाउट द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी इन्वेशन और रिवोल्ट। अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया ऊपर की तीन शर्तें तो तुम्हारे लिए, एक आध हमारे लिए भी हो जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो हमारी सेना है ना, ये तुम्हारी किसी बाहरी देश या तुम्हारे भीतर से कोई हमला करता है तो तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी ये सेना तुम्हारी रक्षा करेगी, ठीक है। राजा फूल के कुप्पा हो गए, बोले वाह हमारी रक्षा अंग्रेज करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, छठवा पॉइंट ये है, द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड नॉन इंटरवेंशन इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अंग्रेजों ने कसम खाई और भरोसा दिलाया कि वे भारतीय राजाएं जो हमारे साथ सहायक संधि में दस्तखत करेंगे, हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ऊपर के ये पांचों पॉइंट हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग बड़े भोले थे, अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे, ठीक है। अभी हमारे आंतरिक मामलों में तो हस्तक्षेप दे रहे हो, हम फ्रांसीसियों से दोस्ती नहीं रखेंगे, हम किसी यूरोपीय शक्ति से मतलब नहीं रखेंगे, एक राजा दूसरे भारतीय राजा से मतलब नहीं रखेगा, अपनी जो आपने सेना रखी उसका मनमाना है, आप हमसे पैसा लोगे और कह रहे हो आपके भारतीय आपके इंटरनल मामले में हम आपका दखल नहीं देंगे, तो ये बकवास का पॉइंट है। लेकिन डाला गया था भारतीय राजाओं को चकमा देने के लिए कि आप अपना शासन प्रशासन अपने हिसाब से करना, ठीक है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भारतीय राजा मुंह से तो समझ नहीं पाए कि ऊपर की लाइन तो हस्तक्षेप ही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी अंग्रेजों ने कभी इज्जत नहीं रखी, हमेशा इस वचन को तोड़ते रहे और राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे, ठीक है, कि आप कैसे शासन करोगे, कैसे प्रशासन करोगे। यानी कुल मिलाकर के विदेश संबंध उस राजा जिस राजा ने सहायक संधि की उसका विदेश संबंध उस राजा की मर्जी से नहीं होता था, अंग्रेजों की मर्जी से होता था, इसी को तो कहते हैं आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये छह बड़े पॉइंट आपको समझना है कि सहायक संधि में ये छह बड़े पॉइंट
होती थी। अब भारत के वो कौन कौन से राजा महाराजे थे, कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की, ठीक है। तो सबसे पहला जो सहायक संधि स्वीकार किया था वो था हैदराबाद 1798 में, ठीक है। कभी कभी वहां के राजा के नाम से पूछ लिया जाता है, तो हैदराबाद का राजा निजाम कहलाता था, ठीक। तो निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की, या हैदराबाद राज्य ने सबसे पहले 1798 में, जैसे ही ये संधि आई, ठीक है, निजाम भाई साहब ने दस्तखत कर दिया 1798 में। उसके बाद मैसूर को जब हरा दिया 1799 में, तो वहां एक छोटे से बालक को बिठा लिया और दस्तखत करवा लिया। तो दूसरा जो राज्य, कभी कभी क्रोनोलॉजी में आता है, आपको ध्यान रखना, 1799 में मैसूर, फिर 1799 में तंजौर, फिर 1801 में अवध, फिर सबसे पहले मराठे जिन्होंने सहायक संधि में दस्तखत किया, वो थे पेशवा 1802 में बसीन की संधि के बाद। फिर दूसरे पेशवा और ओवरऑल छठवें नंबर पे सिंधिया 1803 में, फिर गायकवाड़ 1803 में ही, फिर होलकर 1817 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो पांच वो थे कौन, आपके मराठा, उनमें से चार ने सहायक संधि कर दी, मराठों की कमर तोड़ दी गई सहायक संधि दस्तखत करवा के। और फिर सिंध 1839 में, 1839 में, तो ये कुछ राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। क्रोनोलॉजी कभी कभी जमाने को आ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए। अब सहायक संधि के मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि उससे जो लाभ होगा, उसके जो एडवांटेजेस है, जो मेरिट्स है, ऑब्वियसली वो अंग्रेजों के लिए होंगे, और जो डिसएडवांटेजेस होंगे, डीमेरिट्स होंगे, वो भारतीय राजाओं के लिए होंगे। तो हम देखते हैं मेरिट्स, और वहां लिखा हुआ टू ब्रिटिश, इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, ठीक है, भारतीय राजाओं को कोई लाभ नहीं हुआ। पहला, एक्सटेंडिंग देयर टेरिटरी, भारत में वो अपना राज्य फैलाने में सफल हुए, कैपेबल हुए इस संधि के माध्यम से। कैसे अपना टेरिटरी फैलाया उन्होंने, यहां पर लिखा ना कि जो बड़े राजा थे उनके पास जब वो सेना रखते थे, उनकी टेरिटरी ले लेते थे, ठीक है। मान लीजिए पूरे जबलपुर का एक कोई राजा है, उसके पास सेना रख दिया, तो उन्होंने बोला कि भैया हमें आधारताल का पूरा टेरिटरी दे दो। अब आधारताल में जितने घर बने होंगे, वहां का लैंड रेवेन्यू, वहां का नल का टैक्स, सारा टैक्स अंग्रेज लोग वसूलेंगे, ठीक है। तो एक तो टेरिटरी मिल गई और वहां से टैक्स भी मिलने लगा। तो इस पॉलिसी ने अंग्रेजों की भारत में अपनी टेरिटरी फैलाने में मदद की, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एलिमिनेशन फ्रेंच इन्फ्लुएंस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ नेटिव स्टेट्स। हमारे भारतीय राजा जो अभी तक कभी कभी फ्रांसीसियों से मदद लिया करते थे अंग्रेजों को काउंटर करने में, अब उसमें पहला पॉइंट ही डाल दिया गया था कि आप किसी यूरोपीय शक्ति से मदद नहीं लेंगे, तो वो फ्रांस का खतरा टल गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द नेटिव स्टेट बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट टू द ब्रिटिश। वो राजा जो सहायक संधि पे दस्तखत करता था, शुरू शुरू में तो उसको बड़ा मजा आया, ठीक वैसे ही जैसे जब हम लोग प्यार करते हैं, शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, बाद में उसके दुष्परिणाम क्या है समझ में आता है। तो ऐसे ही अंग्रेजों के साथ पहला प्यार था भारतीय राजाओं का, और उसमें बड़ा मजा आ रहा था इनको, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये सहायक संधि आत्महत्या के लेटर पर दस्तखत करना है। कई एक फिल्मों में देखा होगा आपने, कई एक गुंडे ऐसे मारते हैं कि मारने के बाद आप ही के हाथ से लिखवाते हैं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और आप ही से दस्तखत करवाते हैं और आपको फांसी में लटका के चले जाते हैं। बाद में पुलिस आती है, पता चला भाई ये तो मर्डर नहीं था, ये तो चिट्ठी मिल गई, आत्महत्या था, ठीक है। तो राजाओं को धीरे धीरे पता चलेगा। तो जो भारतीय राज्य थे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए किसके, अंग्रेजों की। कैसे डिपेंडेंट हो गए, पहली बात भारतीय राजाओं की जो अपनी सेना थी उसको तो खत्म करवा दी, यानी वो भारतीय राजा अपनी सुरक्षा अपनी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी सेना पर डिपेंडेंट हो गया। और अंग्रेजी सेना किसकी कमांड मानती थी, अंग्रेजों की, भारतीय राजा की कमांड थोड़ी मानती थी, ठीक। तो पूरी उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है राजा की, वो किसके कंट्रोल में आ गई, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। दूसरा, वो विदेश संबंध राजा अपनी मर्जी से नहीं बना सकता था, ठीक है। यदि नीदरलैंड का कोई व्यापारी भारत में आया है और आपके उस राज्य में राज्य व्यापार करना चाहता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कुछ शिक्षा लेना देना कुछ चाहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो विदेश संबंध पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के हाथ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति के विदेश संबंध और उसकी रक्षा व्यवस्था उससे छीन लिया जाए तो उसके पास बचा क्या। अगर राजा से ये दो भौकाल छीन लिए जाए तो राजा कहेगा राजा रहा, ठीक है। तो कंप्लीटली जो राजा है जिसने सहायक संधि में दस्तखत किया वो डिपेंडेंट हो गया किसके, अंग्रेजों। अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स एंड आर रेजिडेंट विद इन द टेरिटरी, यानी इस सहायक संधि में एक बात ये भी थी कि
जिस भारतीय राजा ने सहायक संधि को स्वीकार किया है उसके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहेगा राजा के साथ। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम होगा रेजिडेंट, RESIDENT, रेजिडेंट है लेकिन उसको यहां रेजिडेंट पढ़ते, ठीक है। तो रेजिडेंट होगा, उसका काम क्या होगा? उसका काम यही होगा कि राजा किससे मिल रहा है, किससे जुड़ रहा है, किसके साथ मैत्री कर रहा है, किसके साथ दुश्मनी कर रहा है, कहां युद्ध करना है, उसकी एक एक माने एक प्रकार से वो जासूस था। और उसकी बदौलत राजा बेचारा न खांस पाता था न छींक पाता था, जो दरबार में मिलने आया है उससे कोई गुप्त बात नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बंदिश राजा के साथ में लग गई थी। 24 घंटा वो रेजिडेंट आपके दरबार में रह रहा है और उसकी मर्जी के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से राजा पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया इस सहायक संधि के माध्यम से, ठीक है। पांचवी बात, ब्रिटिश बिकेम डी फैक्टो रूलर ऑफ द नेटिव स्टेट। कुल मिला के जिस राज्य ने सहायक संधि की है उसका दिखने के लिए राजा कौन है, वहां का जो राजा है वही असली शासक है, लेकिन वास्तव में असली शासक असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो दो चीजें होती है, डी फैक्टो और डी ज्योर, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब होता है कि असली ताकत और डी ज्योर का मतलब होता है नकली ताकत। तो अंग्रेज ही असली ताकतवर बन गए उस राज्य की, वास्तव में उस राज्य में शासन प्रशासन विदेश संबंध सब कुछ अंग्रेजों की मर्जी से होता था, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल आप तुलना कर लें प्रेम के साथ, जो प्यार हमें हो जाता है और सहायक संधि, बिल्कुल वैसे। शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे उस चंगुल में फंसते हैं कि हमारी अपनी जो ऑटोनोमी है, हमारी अपनी जो मर्जी है, हमारा अपना जो विजडम है, सब छिन जाता है, हम दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन भीतर भीतर ऐसा लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसा ही है। तो ब्रिटिश बिकम्स डी फैक्टो रूलर ऑफ द नेटिव स्टेट्स। छठवीं बात इसमें यह है, द कंपनी कुड मेंटेन अ लार्ज मिलिट्री फोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द नेटिव रूलर। अब कंपनी ने जैसे जैसे राजाओं के साथ दस्तखत किया सहायक संधि पे, कंपनी ने बड़ी बड़ी सेना रखना शुरू कर दिया। अब सेना किसकी? कंपनी की। पैसा कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। तो अल्टीमेटली एक बड़ी सेना अंग्रेजों के पास आ गई। अब इस बड़ी सेना का उपयोग अंग्रेज तीन जगह पर कर रहे थे, पहला फ्रांसीसियों को चित्त करने में, दूसरा हमारे भारतीय राजाओं के खिलाफ ही करना, और तीसरा भारत में रहते हुए भारत के जो उस समय के पड़ोसी देश थे जहां पर अभी अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया वहां युद्ध करना, जैसे बर्मा, चीन, नेपाल, तिब्बत, ठीक है। यहां लड़ाई करते थे अंग्रेज लोग, और लड़ने वाली कौन होती थी? हमारी अपनी सेना होती थी। तो ये वही सेना है जिसकी भर्ती अंग्रेजों ने किया था सहायक संधि को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उसका पैसा कौन दे रहा था? राजा दे रहा था, ठीक है। सेना अंग्रेज की, मदद किसको कर रही है वो सेना? अंग्रेज को। फायदा उस सेना से किसको है? अंग्रेज को। लेकिन सैलरी कौन दे रहा है? भारतीय राजा। इतने होशियार, इतने चतुर चालाक थे अंग्रेज लोग, ठीक है। और हम बड़े सीनातान भी कहते हैं भारतीय लोग बड़े भोले, कब तक भोले बने रहेंगे ये भी देखना है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी सेना मेंटेन करने में जो है कामयाब हुई कंपनी, ठीक है, वो भी बिना अपना पैसा लगाए। अनरिस्ट्रिक्ट ट्रेड, अब जिस राज्य के साथ सहायक संधि की जाती थी तो वहां कंपनी व्यापार भी करती थी, तो अब कोई बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी के वो व्यापार भी कर सकते थे। अब जब वो व्यापार कर सकते थे तो आठवां पॉइंट उनको इकोनॉमिक गेन, अब उनको आर्थिक लाभ होने लगा, ठीक है। और ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि 1793 के एक्ट में आपने देख लिया है कि 5,00,000 रुपया सालाना तो उनको ब्रिटिश राजा को देना है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर दायित्व आ गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उसका स्टाफ है उसकी सैलरी भी कंपनी देगी। तो जो चीज कंपनी के ऊपर ब्रिटेन का राजा कर रहा था, क्या कर रहा था ब्रिटेन का? ब्रिटेन का राजा कह रहा था, हरामखोरो, हमारी तुमने जो भारत में टेरिटरी बसाया है, व्यापार करते हो, उसकी व्यापार तो तुम अपने हिसाब से करो, लेकिन वहां का शासन प्रशासन करोगे तुम ही, लेकिन वो हमारे तरीके से होगा। और वहां के शासन प्रशासन के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसका मुखिया लंदन में बैठता था लेकिन उसके कर्मचारी भारत में होते थे। वो भारत में शासन प्रशासन करते थे और डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे ब्रिटेन की संसद को या ब्रिटेन के राजा को। तो वो काम कर रहे हैं ब्रिटेन का राजा का, लेकिन उनको सैलरी कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। वही काम तो उन्होंने हमारे यहां किया, सेना कंपनी की, लेकिन सैलरी कौन दे रहा है उनको?
भारतीय राजा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी आपको समझते चलना है। तो इकोनॉमिक गेन उनको कैसे हो रहा था, दो तरीके से, एक तो ट्रेड कर रहे थे तो वहां से लाभ कमा रहे थे, दूसरा जो टेरिटरी उन्होंने प्राप्त की थी राजा से सहायक संधि के बदले, या कुछ राजाओं से टेरिटरी नहीं मिला था तो वहां से पैसा मिल रहा था, तो कुल मिला के दोनों तरफ से इनको आर्थिक लाभ हो रहा था। और ये मजबूरी थी कंपनी की, उनको आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाना है, क्योंकि उसी में से ब्रिटेन के राजा को भी पैसा देना है, अपना मुनाफा भी बनाना है, अपने कर्मचारियों को सैलरी भी देनी है, और जो ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी सैलरी भी देनी है। तो ये जो 1793 में जो कंपल्सन, जो मजबूरी कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की सरकार ने लादी थी, उसने उस मजबूरी को हमारे भारतीय राजाओं के ऊपर लाद दिया, ठीक है, ऐसा था। तो सहायक संधि की आने के पीछे का जो मोटिव था, के पीछे का जो फोर्स था, वो था 1793 के प्रावधान, ये ध्यान से समझिए, ठीक है। अगला, कंट्रोल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अंग्रेजों की शुरू से नीति रही है कि वो भारतीय जो राज रजवाड़े थे उनके मामलों पर हस्तक्षेप करेंगे, उनके मामलों पर अपना नियंत्रण रखेंगे, टैक्स वसूलेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन भारतीय राजाओं से ही करवाएंगे। तो यह भी एक प्रकार की नीति थी जिसमें अंग्रेजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी। कोई आदमी भूख मर रहा है, अकाल पड़ रहा है, बारिश ज्यादा हो गई, भूखमरी पड़ रही है, कर्ज माफी करना है, अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं, वो देखने के लिए राजा बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन राजा बिना दांत का सांप है, उसके पास कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं, ठीक है। तो अगली बात, रिड्यूस द थ्रेट ऑफ नेपोलियन। अब जब इधर भारतीय राजाओं को अपने चंगुल में फंसा लिया, और भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते, भारतीय राजा फ्रांसीसियों से मदद नहीं ले सकते, तो यह बात तय हो गई कि अब नेपोलियन भारत आ भी जाए और वो हमारे राजाओं को बरगला सके कि चलो हम तुम्हारी मदद करके अंग्रेजों को हराते हैं, तो अंग्रेज तो हमारे नियम से बंधे हैं, उनसे मदद लेंगे ही। तो जो नेपोलियन भारत पे हमला करने वाला था उसके भय से वो अब मुक्त हो गई, क्योंकि एक तो जब नेपोलियन को लगेगा कि अंग्रेजों की ताकत भारत में बढ़ रही है तो वो नहीं करेगा हमला, और यदि करा भी कोई भारतीय राजा उसकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगली बात, मेक देम कैपेबल टू नो शॉर्ट एनालिसिस ऑफ इंडिया। इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज को भारतीय मामलों का शॉर्ट समझने के में मदद मिली। शॉर्ट क्या है? SWOT, S for strength, W for weakness, O means opportunities, और T for threat, ठीक है। S for, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ यानी भारत की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत में क्या अवसर है और क्या भय है, उसको किससे खतरा है, किससे डर है, तो इस पूरे शॉर्ट को समझने में मदद मिली अंग्रेजों को इस नीति के माध्यम से, ठीक है। पेव्ड द वे फॉर फर्दर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में और ज्यादा क्षेत्र विस्तार, अपनी पकड़ और मजबूत करने का अवसर मिला, क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों को चैलेंज करने वाली कोई बड़ी शक्ति बच नहीं गई, ठीक है। जो बड़ी शक्ति थे मैसूर मराठा और उनको तो सब निपटा दिया गया, ठीक है। चलो अब इसका एक स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं जो लॉर्ड बेलेसली ने दिया है सहायक संधि के बारे में। उन्होंने कहा, द एलाइज वर रिड्यूस टू द स्टेट ऑफ सिफर्स। यहां पर सिफर उसने जो यूज किया वो वही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सिफर का मतलब होता है जीरो, CEPHAR, लेकिन यहां पर उन्होंने SIFAR यूज किया है, तो हम यही सब यूज करेंगे। तो कुल मिला के सहायक संधि का ये एक लाइन में उन्होंने सार दिया लॉर्ड बेलेसली। उन्होंने कहा कि इस सहायक संधि के माध्यम से हमने भारतीय राज्यों को शून्य कर दिया, यानी अब हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, उनको नस्तो नाबूद कर दिया। तो ये थे सहायक संधि, और क्यों आया, उसके क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिला, और उनकी क्या क्या शर्तें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि सहायक संधि से भारतीय राजाओं को क्या नुकसान हुआ, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए। धन्यवाद।